ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सबको सिखाने वाला हूं गाइस कुछ स्टेप का कांसेप्ट। एंड गाइस ये तो कांसेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस नीचे कमेंट में यार एक प्यार सा कमेंट जरूर करना यार, आजकल आप लोग यार कमेंट करना भूल जाते हो तो प्लीज यार एक कमेंट जरूर करना। बाकी गाइस इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखना जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस आप सभी से मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि गाइस अगर आप लोग ऐसी फोटो को एडिट करोगे तो प्लीज यार मेरे को इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट वहाँ पे जाकर टाइप कर सकते हो करण मंडल एडिट्स, आप सभी को वहाँ पे मेरा अकाउंट दिख जाएगा। तो बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले करने के गाइस आप सभी को अपनी जो आपका मॉडल होगा गाइस पहले तो आप सभी को उसका बैकग्राउंड रेस करना है, ठीक है। तो उसका रेस करने के लिए गाइस यहाँ पे हम यूज़ करेंगे ड्रॉ टूल का, ठीक है। तो ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आप सभी को यहाँ पे लेयर को जो है पहले सेलेक्ट कर लेना आपको, फिर उसके बाद गाइस इरेजर टूल में जाना है। एंड गाइस साइज जो है आपको अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइस इसकी हार्डनेस जो है आप सभी को यहाँ पे कम करनी है, ठीक है। हार्डनेस कितनी कम करनी है मैं आप सभी को बताता हूँ, आप सभी को रखना है 95 या 94 तक, ठीक है, इतना रख लेना है। एंड उसके बाद फोटो को जूम करना है। एंड गाइस फटाफट से आपको उसको इरेज कर लेना है। सो गाइस मैं इसको फटाफट इरेज करता हूँ, बाकी का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस, आप सभी का जो गाइस बैकग्राउंड है गाइस ये वाला आपको इसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आप सभी को। फिर गाइस आपको करना है क्या गाइस, आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आप सभी को करना है क्या गाइस, आप सभी को जो मॉडल का बैकग्राउंड रेस किया था अभी हमने सिंपली उसको ले लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। एंड गाइस आपका जो मॉडल है गाइस वो आप सभी को लगाना कैसे गाइस वो मैं आप सभी को एकदम ध्यान से बता देता हूँ, एंड आप सभी को देखना है अच्छे से, ठीक है। पहले तो गाइस आपका जो मॉडल होगा उसको गाइस आप सभी को देखो गाइस पीछे जो चेयर के पास जो जगह बची हुई है गाइस आपको सिंपली अपने मॉडल को उस साइड ले जाना है। एंड गाइस अभी आप सभी कैसे लग रहा होगा यार अभी तो यहाँ पे रेस भी करना पड़ेगा, बट गाइस आपको यहाँ पे रेस करना नहीं पड़ेगा, आप सभी को मैंने एक ऐसी पीएनजी बना रखी है आप सभी के लिए कि आपको यहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आप सभी को कैसे करना वो मैं बता देता हूँ। आप सभी को पहले तो बस मॉडल का साइज वाइज आपको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। एंड जो गाइस आपका जो मॉडल का हेड दिख रहा है गाइस जैसे कि आपको वीडियो में आपका जो है वो जो हेड है गाइस वो देखिए आपको वहाँ पे एक ब्राउन कलर का जो पीछे जो मतलब कि छत टाइप के उस पर टच हो रही है, तो गाइस आपको भी इतना ही हाइट रखना है अपने मॉडल की, ठीक है, जो मतलब उसका हेड है जो उसके वहाँ पे आ जाए। फिर गाइस आपको आगे क्या करना है गाइस, आप सभी को इतना कर देने के बाद आप सबको सिंपली यहाँ से चलना है, इस प्लस पे क्लिक कर देना है, साइड में जो आपको दिख रहा है प्लस कर देना है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ऐड फोटो में जाना है। एंड गाइस यहाँ से आप सभी को एक पीएनजी ले लेना है, ठीक है, एक ग्रास की पीएनजी। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको कर देना आपको फुल स्क्रीन। एंड गाइस देख सकते हैं आपको यहाँ पे आपको कुछ इरेज करने की जरूरत नहीं है, बस आप सभी को यहाँ पे करना है थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जो साइज़ है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, अभी यहाँ पे डन नहीं करना, आपको वापस से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है एक ब्लैक कलर की शीट, ठीक है, तो इसको हमें ले लेना है। एंड गाइस इसको करना है कि आपको यहाँ पे इसका तो मतलब कि इसको पहले फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम, ठीक है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है इरेजर टूल में, फिर आपको इसको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है। ब्रश को लेने के बाद आपको उसको साइज़ कुछ इतना रख लेना है, ठीक है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फोटो को अपनी जूम करना है। फोटो को जूम करने के बाद गाइस आपको जहाँ जहाँ शेडो चाहिए आपको सिंपली ऐसे पेंट करना उस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस थोड़ा सा साइज़ मैं और बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि साइज़ जो है थोड़ा छोटा लग रहा है, तो अभी हम इतना साइज़ रखते हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करेंगे हम, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ शेडो चाहिए हो आपको वहीं वहीं पे पेंट करना है बस, फिर प्लस इस पर डन कर देना है। एंड इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन देख रहा है आपको उस पर क्लिक करके एंड से मूव डाउन कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको गाइस इसका जो ओपेसिटी होगी उसको गाइस आपको कुछ इतना कम कर देना है, ठीक है, अराउंड 50 तक कुछ रख लेना। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है आपको अब यहाँ पे कर देना है इसको डन बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ छेड़ना नहीं है आपको, यहाँ पे सिंपली डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है आपको जाना है ऐसे अगेन ऐड फोटो में, ठीक है। तो यहाँ से हम ऐड फोटो में चलते हैं। एंड ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है एक विग्नेट का पीएनजी जो कि आप सभी को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यहाँ पे सिंपली ऐड करना है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है आपको उसको फुल स्क्रीन करके कुछ स्टेप से ऐड करना है, ठीक है। तो कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कि एक अच्छा सा लुक आ रहा है इससे भी पीएनजी से, तो अभी हम इसका थोड़ा सा ओवर साइज बड़ा कर लेते हैं इस पीएनजी का, इतना परफेक्ट है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है आपको सिंपली डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देना है।
अब गाइस आपको क्या करना है, अब गाइस इसमें करनी है आपको थोड़ी सी कलर कलेक्शन, ठीक है। तो कलर कलेक्शन मतलब कलर कलेक्शन करेंगे, पहले हम इसका थोड़ा सा सैचुरेशन मैनेज कर लेते हैं। तो उसके लिए चलेंगे हम एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको गाइस यहाँ पे क्या करना, सैचुरेशन लेना है। इसके बाद गाइस आपको थोड़ा सा जो है इसका सैचुरेशन माइनस की तरफ कर देना, क्योंकि जो दोनों मॉडल उसका सैचुरेशन एकदम सेम हो जाएगा, तो इससे जो है फोटो अच्छी लगेगी थोड़ी सी। तो अब यहाँ पर डन कर लिया हमने। अब गाइस आपको फोटो सेव करना है एंड इसमें करनी कलर कलेक्शन, जो कि हम करते हैं लाइट रूम ऐप में। तो हम लाइट रूम ऐप को सीधा ओपन कर लेते हैं यहाँ से। एंड गाइस यहाँ पे हमने फोटो को पहले से ऐड कर रखा है, तो उसको हम यहाँ पे डायरेक्ट ओपन करेंगे। अब गाइस पहले क्या करना है आपसे, पहले जो आपको ये ऑटो वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड गाइस अगर आपकी फोटो पे अच्छी एडजस्टमेंट आपको दिखती है तो गाइस आप सिंपली रहने देना, बाकी अगर आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से लाइट वाला ऑप्शन में जाकर ऐसे चेंज कर सकते हो। बाकी हम बढ़ते हैं आगे। तो आपको जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, मिक्स टूल में जाना है, ऑरेंज कलर को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड जिसका सैचुरेशन होगा आपको उसको थोड़ा सा कम कर देना है, एंड जो ल्यूमिनस है आपको उसको थोड़ा सा बढ़ा देना अपने फेस के अकॉर्डिंग। देन गाइस उसके बाद क्या करना आपसे, उसको लेना ये येलो कलर। अब गाइस यहाँ पे जो है मतलब कि आप आपके पीछे जो रूफ है एंड जो ये आपको पत्ते वगैरह जो हमने पीएनजी लगाई हैं अभी, अगर आप इनका ह्यू चेंज करना चाहो तो वो कर सकते हो, ठीक है। तो आप जैसा मर्जी चाहो वैसा कर सकते हो। मेरे को यहाँ पे ग्रीन कलर चाहिए, तो मैं ग्रीन कलर में जो इसका ह्यू मैं रखूँगा इसको प्लस की तरफ, ठीक है। एंड इसका सैचुरेशन भी मैं प्लस की तरफ रखूँगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपको फोटो में ब्लू कलर नहीं चाहिए तो आपको सिंपली ब्लू कलर सेलेक्ट करके सैचुरेशन माइनस कर देना है, जैसे कि गाइस मैं कर रहा हूँ। अब आपसे वो क्या करना है, आप कर देना आपको उसको डन। फिर गाइस आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करना आपको हमें मिलेगा ये वाला ऑप्शन। आपको सिंपली यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी है गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है, इसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस विग्नेट है आपको उसको हल्का से यहाँ पे कम कर देना है, ठीक है। विग्नेट जो अपने अकॉर्डिंग कम करना है, अदरवाइज नहीं भी डालोगे तो चलेगा, बाकी आपकी मर्जी है। फिर गाइस आपको यहाँ पे ग्रेन अमाउंट है जो आपको उसको बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको जाना है इसके नीचे वाले टूल में, ठीक है। तो हम ऐसे चलते हैं नीचे वाले टूल में। एंड जो गाइस फोटो की शार्पनेस है ना उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड जो यहाँ पे नोड रिडक्शन है ना आपको उसको भी बढ़ा देना है। नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिलेगा कलर नोड रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे फाइनली आप गाइस देख सकते हैं जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो गाइस आशा करता हूँ और आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सबसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।